हेलो फ्रेंड्स, तो आप में से बहुत लोगों ने मेरा डेली रूटीन होम टूर रिक्वेस्ट किया, तो मैं आपके लिए वो वीडियो लेके आई। फिर आपने अनंत्या का रूम टूर मांगा, स्टडी टेबल ऑर्गेनाइजेशन मांगा, तो मैं वो लेके आई। अब इसी रिक्वेस्टेड वीडियो की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और आप लोगों का जो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था वो था अनंत्या का पीरियड रूटीन। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे, और कैसे अनंत्या और मैंने इस जर्नी को जिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वीडियो में आगे जाने से पहले बस एक छोटा सा काम है, आपको वीडियो को लाइक करना है, और अभी तक आपने कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी भी बेटी है अनंत्या आनंद, जिसका YouTube चैनल भी है माय मिस आनंद से, और आप लोग उसे बहुत ही प्यार करते हैं और इसीलिए उसके बारे में इतना जानना चाहते हैं। तो बस अनंत्या को जो पीरियड स्टार्ट हुए हैं वो उसको 12.5 साल की थी तब स्टार्ट हुए थे, जो कि लास्ट दिसंबर में स्टार्ट हुए थे। बट आजकल गर्ल्स को पीरियड नॉर्मली 9 ईयर्स ऑफ एज से 12 ईयर तक स्टार्ट हो ही जाते हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बच्चे बहुत अवेयर हैं इन सब चीज़ों से, और स्कूल में भी उन सबको ये बताया दिया जाता है, तो उसको ज़्यादातर पूरी इंफॉर्मेशन थी, और एज अ मदर भी मैंने उसको सारी बातें बता दी थी धीरे धीरे जैसे ही वो 11 ईयर्स की हुई थी। तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आपकी गर्ल्स 9 या 10 ईयर्स की हैं तो आप धीरे धीरे अपने बच्चों को इंफॉर्मेशन देते रहें, और धीरे धीरे पीरियड्स के बारे में जैसे भी वो कंफर्टेबल हो और आप कंफर्टेबल हो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। जैसे कि आपको पता ही है कि आजकल बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है थ्रू मूवीज, जैसे कि अनंत्या ने तो पैडमैन देखी थी, खासकर पैडमैन से उसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी अबाउट दीज पीरियड्स एंड अदर थिंग्स, एंड सोशल मीडिया में हैक्स एंड अवेयरनेस के थ्रू भी उसे काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक मैगजीन है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जिसमें बच्चों को अगर आपको पीरियड के बारे में अवेयर करना है तो काफ़ी कॉमिकली काफ़ी अच्छे से उसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, जिससे कि बच्चे उसको पढ़ के इंफॉर्मेशन ग्रास्प भी कर लेंगे, और जो वो होता है ना कि घबराना या बच्चों को डर लगता है या कैसे बताएं या एक आपके मन में हिचक है वो उस मैगजीन से हट जाएगी। तो उस कॉमिक बुक का नाम है मेंस्ट्रोपीडिया कॉमिक, जिसे आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो, और जैसे ही आपकी गर्ल्स 9 ईयर्स की हो जाती है तो आप उसे ये दे सकते हो, ताकि वो पढ़ ले और पीरियड के बारे में अवेयर हो जाए। और इवन मेरा मानना तो यह है, अगर आपके पास बॉयज हैं या आपका बेटा है तो आपको उसको भी पीरियड्स के बारे में अवेयर ज़रूर करना चाहिए, ताकि बहुत से बच्चे क्या होते हैं स्कूल में बच्चों का या गर्ल्स का फन उड़ाते हैं, तो वो ऐसा ना करके किसी भी सिचुएशन में उनकी फ्रेंड्स फंस जाए, पीरियड्स हो जाए या कुछ हो जाए, तो वो अच्छे से हेल्प कर दें उन लोगों की। जैसे कि आपको पता भी होगा कि पीरियड्स नॉर्मल आने में जनरली आजकल 3 to 6 months लग जाते हैं, तो अनंत्या को भी रेगुलर साइकिल में आने में लगभग 3 से 4 महीने लग गए थे, और उसके बाद उसकी पीरियड साइकिल रेगुलर है टचवर्ड, एंड उसको पीरियड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, और इनफैक्ट जब उसको पीरियड्स आते हैं तो वो उसे काफ़ी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है, और अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि उसे थोड़े बहुत क्रैम्प्स होते हैं तो वो बेयर कर लेती है, क्योंकि मैंने उसको ये बोला है कि ये चीज़ें नॉर्मल हैं, नेचुरल हैं, एंड उसको जितना बर्दाश्त कर लो, जितना तुम स्ट्रांगली इस चीज़ों को अपना मतलब फेस कर लोगे उतना ही अच्छा होगा। इरेगुलर पीरियड साइकिल जिन भी बच्चियों की है, तो मैं उन बच्चियों की मम्मियों को रिक्वेस्ट करूंगी, या मतलब जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रही हूँ दिस इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस, या मैंने मेरी फ्रेंड्स हैं जिनकी टीनेजर बेटी हैं उनसे मैंने डिस्कस करके इन्फॉर्मेशन ली है। तो इरेगुलर अगर पीरियड साइकिल है तो आप अपने बच्चे का एक तो डाइट पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें, उसको रेगुलर एक्सरसाइज कराएं, क्योंकि आजकल बच्चे खेलने नहीं जाते हैं, तो हमें मेक श्योर करना चाहिए कि वो किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में डेली यानी कि डेली ज़रूर इन्वॉल्व रहें, ये नहीं कि बस आधा घंटा खेल लिया या घूम लिया, अच्छी खासी 1 से 1.5 घंटे की फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत ज़रूरी है, और एक हेल्दी, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, तो हेल्दी लाइफस्टाइल और डाइट होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे पीरियड साइकिल नॉर्मल हो। और फिर भी अगर इरेगुलर साइकिल है तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो पीरियड्स में हमारे टाइम में तो भैया पैड्स ही मिलते थे,
लेकिन अब तो बहुत वैरायटी के पैड्स मिलते हैं, क्वालिटी वाइज भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गई है। साथ में आपको टेम्पॉन्स भी अब हो गए हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव एंड यूजफुल बताए जाते हैं, और इसके साथ मेंसुरेशन कप्स भी यूज़ हो गए हैं। तो अगर मैं अनंत्या की बात करूँ तो अनंत्या अभी तक सिर्फ पैड्स यूज़ करती है, लेकिन अभी तक हम अनंत्या को कॉन्फिडेंस नहीं आया कि वो टेम्पॉन्स यूज़ करे या मेंसुरेशन कप यूज़ करे। बट जो मेरा फीडबैक मिला है मुझे टेम्पॉन्स के बारे में वो अच्छा ही आया है, तो मे बी इन फ्यूचर हम टेम्पॉन्स में भी शिफ्ट हो जाएं। इनफैक्ट टैम्पॉन्स एंड मेंसुरेशन कप्स कहते हैं आजकल बहुत इफेक्टिव होते हैं। अगर आप वेकेशंस में जा रहे हैं बीच वाली जगह पे, या आपका बच्चा स्विमिंग वाली एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो आप इनफैक्ट टैम्पॉन्स या मेंसुरेशन कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपके बच्चे का काफ़ी ज़्यादा फ्लो भी है तो आजकल सुपर एब्जॉर्बेंट टैम्पॉन्स भी आते हैं जो कि 8 आवर्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं, या आप मेंसुरेशन कप्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि हैक्स की, तो पीरियड्स अगर आपको हो रहे हैं तो कुछ छोटे छोटे हैक्स हैं जो मैं अनंत्या से यूज़ कराती हूँ। जैसे कि रात को सोते समय मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो फ्रेश पैड लगा के ही सोए, क्योंकि रात भर अगर फ्लो ज़्यादा भी हो जाता है और बच्चा सोया हुआ है तो वो कम्फर्टेबली पैड एब्जॉर्ब कर देता है, स्टेनिंग की प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड दूसरा ये है कि जब भी पीरियड्स हो, तो बहुत लोगों को ये मिथ है कि हमें अपनी ओल्ड पैंटीज ही पहननी चाहिए, लेकिन मेक श्योर करें कि आप प्रॉपर इलास्टिक वाली न्यू पैंटीज पहने जब आप पीरियड्स में हो, क्योंकि इससे पैड आपका हिलता नहीं है और स्टेनिंग की प्रॉब्लम होती नहीं है। दूसरा, अब ऑनलाइन से ऑफलाइन बच्चे स्कूल भी जाने लग गए, तो मैं एक सेफ्टी किट बना के रखती हूँ जिसमें मैं अनंत्या की एक न्यू पैंटी, एक पैड और एक न्यूज़पेपर का पेपर रखती हूँ, और उसे मैं एक सुंदर से बैग में रखती हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस स्कूल में पीरियड स्टार्ट हो जाए तो बच्चे को जो क्लास से वॉशरूम के बीच में वो कैरी करके जाना हो तो वो इजीली कैरी करके चला जाए। तो आप भी ज़रूर इस तरीके का एक सेफ्टी किट बना के अपने बच्चे के बैग में ज़रूर रखें। अपने पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए भी आजकल तो बहुत इजी हो गया है, क्योंकि इतनी सारी ऐप्स हैं जिससे आप अपने पीरियड्स को इजीली ट्रैक कर सकते हो अपने फ़ोन में। तो अगर आप अपने गूगल ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे जाते हैं और पीरियड ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर लेते हैं तो बहुत इजी होता है पीरियड्स को ट्रैक करना, क्योंकि जो भी आपकी साइकिल है आप उसकी डेट मेंशन कर देंगे, अपना सब कुछ डेटा फीड कर देंगे, तो वो जो ऐप्स होती है बहुत एक्यूरेट होती है और बहुत हेल्पफुल होती है पीरियड्स को ट्रैक करने के लिए। जब अनंत्या को इनिशियली पीरियड्स आते थे तो उसको भी बड़े मूड स्विंग्स होते थे, या उसने कहीं से सुना था कि इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, तो जब उसे पीरियड्स होते थे तो वो काफ़ी इरिटेटेड रहती थी, या कभी कभी ऐसा होता था कि पार्टी में जाना हो पीरियड्स आ गए तो उसे लगता था कि अब मैं ना जाऊँ। तो मैंने उसे समझाया अगर आप बाहर जाओगी तो आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आप ये सब नहीं सोचती रहोगी। फिर उसे लगता था कि पीरियड्स आ रहे तो क्या मैं खेलने जाऊँ या नहीं जाऊँ। तो अगर आपके बच्चों के मन में भी ऐसे ही सवाल हैं तो उन्हें खेलने जाने से बिल्कुल ना रोकें, बस थोड़ा सा केयरफुल रहें, और अगर आपने प्रॉपरली पैड वैड लगाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और धीरे धीरे वो अब इन सब चीज़ों से यूज्ड हो गई है। तो ये तो थी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मैंने शेयर की, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स भी टीनेजर्स की मदर है उनके थ्रू। बट अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है या आप कुछ मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स में रेगुलरली पढ़ती रहती हूँ, तो इसी के थ्रू हम आपस में इंटरेक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो बस ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कुक विद निशा चैनल को सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।